आइए मिलते हैं साईं विजन स्कूल के जो चेयरमैन हैं उनसे और जानते हैं कि स्कूल में ऐसी क्या फैसिलिटीज़ दी जाती हैं जो बाकी स्कूलों से अलग हैं। नमस्कार सर। नमस्कार मैडम। सर्वप्रथम मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि ये जो साईं विजन पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल भरेड़ी पिछले 2009 से यहाँ पर स्कूल बींग में जो है कार्य करता आ रहा है और इन पिछले वर्षों में कई आयाम स्कूल ने जो हम वो छुए हैं, तो उसके लिए जिन जिन अभिभावकों ने बच्चों को हमारे पास भेजा उन बच्चों का हमने सर्वांगीण विकास करने का जो ध्येय उठाया था, जो ध्येय लिया था उसको पूरा किया और एक से एक करके आगे आगे जुड़ते गए। बच्चे बहुत अच्छी अच्छी जगह इंडियन मिलिट्री सर्विसेज में, इंजीनियरिंग सर्विसेज में, मेडिकल लाइन में आगे निकले और स्कूल जो है वो दिन प्रतिदिन जो है वो आगे की तरफ अग्रसर होता गया। मैं अभिभावकों का, इलाका के जो बुद्धिजीवी हैं उनका इस बात के लिए धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हमें पूर्ण सहयोग दिया और पूर्ण विश्वास हमारे ऊपर बनाए रखा। उसी के परिणाम स्वरूप आज स्कूल यहाँ पर हमने खड़ा किया है कि एक इलाका में नहीं, पूरे जिला में नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में स्कूल का नाम जो है वो हमने किया है। सर, खेल के क्षेत्र में आपके स्कूल का नाम जो है वो बहुत फेमस है, तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मैडम, उस खेल का, क्योंकि मैं खुद खिलाड़ी रहा हूँ और जब मैंने स्कूल चलाया था तो मैं ये समझता था कि बिना खेल के स्कूल अधूरे हैं और उसके मद्देनजर रखते हुए हमने किसी भी प्राइवेट स्कूल, बड़े बड़े दावे करते हैं परंतु किसी ने भी कोई बास्केटबॉल का ग्राउंड नहीं बना सके, बैडमिंटन का ग्राउंड नहीं बना सके, वॉलीबॉल का नहीं कर सके। हमने जो ग्रामीण क्षेत्र की प्राचीन हमारी जो वास्तविक गेमें थी, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, बैडमिंटन, कबड्डी, इनको हमने जो मेंटेन करने के लिए पहले तो अपने स्कूल में ग्राउंड इनके जो हैं वो तैयार किए और अच्छे लेवल के ग्राउंड तैयार किए और उसके बाद कोच यहाँ पर, जैसे बास्केटबॉल के स्पेशली कोच हमने अपॉइंट किए, उन कोचिज की मेहनत के परिणाम स्वरूप बच्चों में अलख जगाया गेमों के प्रति और उसके बलबूते पे आज मैं ये दावा कर सकता हूँ कि लगभग 200 से ज़्यादा बच्चे पिछले वर्षों में हमारे जो हैं वो राष्ट्रीय स्तर तक अलग अलग गेमों में जो हैं खेले हैं और इसी वर्ष जो अभी का सेशन था हमारा 2018-19 का, इसमें ये 18 बच्चे हमारे बास्केटबॉल में जो हैं वो, और कोरोबॉल, बास्केटबॉल, नेटबॉल, इन गेमों में जो हैं वो राष्ट्रीय स्तर पर खेल कर आए हैं। हमने इसका नाम पूरे जिले में नहीं, पूरे प्रदेश में जो हैं खेलों के नाम का, तो उसमें मैं बास्केटबॉल संघ हिमाचल प्रदेश, वॉलीबॉल संघ हिमाचल प्रदेश, बैडमिंटन संघ का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हमें डायरेक्टली तौर पर जोड़ा भी अपने साथ और बच्चों को खेलने के लिए मौका भी दिया और यहाँ तक कि यहाँ पर राज्य स्तरीय टूर्नामेंट जो है वो करवाए और उसमें हमने पूरे जो प्रदेश से जितनी भी टीमें आई उनका सभी अभिभावकों के सहयोग से, लोकल जो हमारे खिलाड़ी हैं पुराने उनके सहयोग से उनका अच्छा अवभक्त किया और यहाँ पर राज्य स्तरीय 3 बार बास्केटबॉल की चैंपियनशिप भी करवाई और फ्लड लाइट में रात को मैच करवाने का गौरव इसी स्कूल को, पूरे ब्लॉक में प्राप्त हुआ कि हमने पूरे ब्लॉक में पहली बार नाइट में जो हैं बास्केटबॉल के मैच अभी हाल ही में जो अक्टूबर के महीने में करवाए, तो बच्चों ने वहाँ से सीखा, सीख मिलती गई और अब बच्चे जो हैं वो एक अच्छे तरीके से यहाँ पर बास्केटबॉल, वॉलीबॉल में अपना नाम जो है रोशन कर रहे हैं, इलाका का नाम रोशन कर रहे हैं और मैं आगे को कोशिश हमें कर रहे हैं कि और भी गेम में इसमें इंक्लूड की जाएँ और स्पोर्ट्स के जो बच्चे हैं उनके लिए अलग से कुछ फैसिलिटी देकर उनको नाइट में यहाँ पर रखने का प्रोविजन जो है वो करें। सर, ऐसी क्या फैसिलिटीज़ दे रहे हो आप बच्चों को जो बाकी स्कूलों से अलग है? देखिए मैडम, बाकी स्कूलों से, ये प्राइवेट सेक्टर के स्कूल हैं, इनमें कंपटीशन हमेशा बना रहता है और एक दूसरे के ऊपर छींटाकशी भी करते हैं लोग, परंतु हम उस कैटेगरी में अपने स्कूल को कभी हमने ना आज तक लिया ना हम आगे लेते हैं। हमने पहले भी स्पोर्ट्स एकेडमिक और कल्चरल जो बच्चों के अंदर एक प्रतिभा होती है उसको निखारने के लिए कार्य किया है। आने वाले वर्ष में जो हमारी प्रपोजल है, क्योंकि हमने 5 फरवरी 2016 को पहली बार CBSE के लिए अप्लाई किया था कि हमें स्कूल को एफिलिएशन CBSE की मिले, 3 साल लगातार प्रोसेस चलते हुए हो गए। अभी हाल ही में दिसंबर 19 को जो है वो 2018 में हमारी इंस्पेक्शन CBSE की वन मैन कमेटी में जो है वो उन्होंने की है, डिप्टी डायरेक्टर हमारे जो डिप्टी डायरेक्टर हैं रीजन के चंडीगढ़ के उन्होंने, और फाइनल रिपोर्ट सबमिटेड है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि CBSE की तरफ से स्कूल को जो एफिलिएशन मिलेगी और इस इलाका के लिए हम ये CBSE का पहला स्कूल जो है वो यहाँ पर चलाएंगे। साथ ही साथ बच्चों में इस बार हमने अपने आपने क्लियर कट, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि एज पर CBSE नॉर्म्स फिजिक्स लैब, केमिस्ट्री लैब, बायो लैब, लाइब्रेरी,
और कंप्यूटर लैब इनको जो है वो सीबीएसई नॉर्म्स के ऊपर तैयार किया, क्लासरूम किस तरह उस लेवल के पहुंचाए ताकि बच्चों को क्या है इस इलाके में सीबीएसई स्कूल की फैसिलिटी मिले और बच्चों के अंदर कल्चरल प्रतिभा निखारने के लिए नेक्स्ट ईयर से हमारा प्रयास है कि वीक में 3 दिन म्यूजिक क्लास चले, 3 दिन डांस क्लास चले, 3 दिन कराटे की क्लास चले और 3 दिन बच्चों की जो है वो मॉरल वैल्यूज के ऊपर क्लास चले। तो एक बैच वाइज हम बढ़ाएंगे और 3-3 दिन इनकी क्लासेस चलाएंगे ताकि बच्चों में क्या है हमारे संस्कार भी जिंदा रहे और बच्चे हमारा स्कूल भी ऊपर जाए और जो अभिभावकों ने हमारे ऊपर विश्वास बनाया उसको हम जो है वो और बुलंदियों पर ले जा सकें। मैं अपील करूँगा आपके इस चैनल के माध्यम से कि जो इलाकावासी हैं वो बच्चों को हमारे पास भेजें, हम उनका सर्वांगीण विकास करेंगे, केवल मात्र पढ़ाई के साथ साथ और सभी एक्टिविटीज़ के ऊपर जो है पूर्ण ध्यान देते हुए हम इस स्कूल को और बुलंदियों पर ले जाएंगे। थैंक यू। अब जो स्कूल का एटमॉस्फेयर है उसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे आप? मैम, साइन विजन इज़ अ ग्रेट स्कूल, इट ऑफर्स अ पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट टू द स्टूडेंट्स एंड इट हैज़ गॉट अ टेंपल इन द कैंपस विच ऑफर्स अ सेंस ऑफ प्योरिटी टू द स्टूडेंट्स एंड इट इज़ रियली ग्रेट टू बी अराउंड द ब्लेसिंग्स ऑफ टीचर्स एंड गुड एडमिनिस्ट्रेशन एंड इट्स अ ग्रेट स्कूल टू बी इन। यहाँ पे जो लैब्स हैं कौन कौन सी लैब्स जो हैं वो अवेलेबल है यहाँ? वी हैव 4 लैब्स इन आर स्कूल, बायो लैब, केमिस्ट्री लैब, फिजिक्स लैब एंड कंप्यूटर साइंस लैब। ऑल आर वेल फिनिश्ड एंड हाईली इक्विप्ड। ऑल द मटेरियल्स आर प्रोवाइड फॉर द एक्सपेरिमेंट्स। ऑल द एक्सपेरिमेंट आर हेल्ड अंडर द गाइडेंस ऑफ टीचर्स। वी लर्न अ लॉट ऑफ इन आर लेबोरेटरीज। थैंक यू। थैंक यू। हेलो। हेलो मैम, मुझे ये बताइए कि जो स्पोर्ट्स के लिए मतलब यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं? हमारे स्कूल में पढ़ाई के साथ साथ भी स्पोर्ट्स को काफ़ी ध्यान दिया जाता है। यहाँ की सारे मैक्सिमम ग्राउंड डिफरेंट डिफरेंट गेम्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट ग्राउंड्स प्रोवाइड करवाए गए हैं और जो भी गेम्स के लिए जो भी मटेरियल प्रोवाइड करवाया जाता है वो बहुत अच्छा होता है। और यहाँ पे हमारे स्कूल के काफ़ी सारे बच्चे नेशनल लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल के लिए खेले गए हैं और पिछले कुछ सालों से हमारा स्कूल जो है वो विनर ही है और अब की बार भी बॉयज़ और गर्ल्स दोनों में ही हमारा स्कूल जो है वो विनर रहा है। थैंक यू मैम। वेलकम। अब की मतलब यहाँ पे स्कूल में जो है वो कौन कौन सी एक्टिविटीज़ जो हैं, कौन कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो करवाई जाती हैं? हमारे स्कूल में बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, कबड्डी जैसी गेमें करवाई जाती हैं और हर साल हमारे स्कूल का परिणाम भी बहुत अच्छा आ रहा है और इस साल भी हमारे स्कूल के बॉयज़ एंड गर्ल्स ने बहुत अच्छा प्रदर्शन वहाँ पर किया है और विनर रहे हैं। और हमारे स्कूल में स्पोर्ट्स के रिलेटेड भी बहुत ज़्यादा सारी फैसिलिटी हमें प्रोवाइड करवाई जाती हैं और पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स के तरफ भी बच्चों को प्रोत्साहित किया जाता है। थैंक यू। अब मुझे ये बताइए कि यहाँ पे पढ़ाई से एक्स्ट्रा और क्या क्या जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो करवाई जाती हैं? देखिए, सबसे पहले तो हमारा पढ़ाई को इम्पोर्टेंट ज़्यादा देना चाहिए, इम्पोर्टेंस देना चाहिए पढ़ाई को। जो हमारा स्कूल में जो सेकंड नंबर पे आता है वो हमारा स्पोर्ट्स आता है। स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हमारे स्कूल में रेगुलर करवाई जाती हैं एजुकेशन के साथ साथ। स्पोर्ट्स हमारे लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके साथ साथ हमारे जो साइंस क्यूज है, एक्स्ट्रा सर्कुलर एक्टिविटीज़ होती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हमारे स्कूल में हमारा स्कूल इस इन चीज़ों को बहुत महत्व देता है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि हमारा स्कूल ऑल राउंड डेवलपमेंट काफ़ी है स्कूल में। यहाँ पे टीचिंग फैसिलिटीज़ हैं वो कैसी हैं? यहाँ पर टीचिंग फैसिलिटी हमें बहुत अच्छी प्रोवाइड किया जाता है और यहाँ के टीचर्स हमें बहुत मोटिवेटेड करते हैं इन पॉजिटिव वे एंड दे प्रोवाइड अस ऑल मटेरियल्स फॉर हमें एजुकेशन के लिए हमें क्या ज़रूरत पड़ती है एंड दे आर वेरी हेल्पफुल एंड वो हमें बहुत अच्छे प्रोत्साहन करते हैं। थैंक यू। जो यहाँ पे जो मतलब और स्कूलों से या जैसे छोटे बच्चे हैं तो वो अगर आना चाहते हैं तो उसके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? फॉर द स्टूडेंट्स हु आर विलिंग टू गेट एडमिशन इन द स्कूल, आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड द स्कूल एज दिस स्कूल विल बी अ ग्रेट चॉइस। गुड लक।